तो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है और अगर आप इस विधि से बनाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का छोले की रेसिपी है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके लिए मैंने रात को छोले को भिगा दिया था। काबुली चना आप देख सकते हैं कि भीगने के बाद मैंने इसको हल्का सा छाँट लिया कि मैंने देख लिया कि इसमें कुछ है तो नहीं। उसके बाद इसको मैंने कुकर में डाल दिया। कुकर में डालने के बाद इसमें आप पानी डालें आवश्यकता अनुसार और मीठा सोडा इसमें डाल दें। मीठा सोडा डालने से ये थोड़े से जल्दी गलते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालेंगे तो जल्दी नहीं गलेंगे। और साथ ही मैंने एक पोटली बनाने के लिए एक कॉटन कपड़ा लिया है। साथ ही मैंने चाय की पत्ती लिया है, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, जावित्री और काली मिर्च और जो है इस तरीके से मैंने फूल ले रखा है। इस तरीके का मैंने पोटली बना दिया है। तो पोटली बना करके आपको इसको डाल देना है। इसका आप यकीन करेंगे इस मसाले की, इसकी जो खुशबू है ये छोले को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। साथ ही मैंने तड़के के लिए अदरक लिया है, चार मैंने प्याज काट लिए हैं, लहसुन लिया है। लहसुन को मैं इससे अच्छे से कूट लूँगी। इसको मैं पीसूँगी नहीं मसाले, क्योंकि पीसने का एक अलग फ्लेवर आता है मसाले का। और साथ ही अगर आप काट करके कूट करके इस तरीके से मसाले आप बनाते हैं तो छोले का जो टेस्ट होते हैं बिल्कुल लाजवाब होता है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। इस तरीके से मेरा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया। इसमें मैंने एक चम्मच के करीब में ही धनिया पाउडर डाला है, एक चम्मच के करीब में मैंने सब्जी मसाला डाला है और थोड़ा सा इसमें मैं जो है इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और एक कढ़ाई को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई मैंने आवश्यकता अनुसार तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद आपको इसमें हींग डालना है। हींग थोड़ा सा पाचन के लिए अच्छा बेहतर होता है, साथ ही इसमें फ्लेवर भी अच्छा देता है। साथ ही जो मैंने बारीक महीन प्याज काटे थे उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से आप प्याज को अच्छे से पका ले। जब इसका प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा तब आप इसमें जो है जो लहसुन और ये मसाले का मैंने पेस्ट बनाया है इसको आप ऐड कर देंगे। साथ ही आपको इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है ताकि इससे छोले का कलर बिल्कुल डिफरेंट आए। और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने अच्छे से गला लिया है। टमाटर डालने के बाद आप देख सकते हैं और प्याज का कलर बिल्कुल इतना कितना अच्छा हो गया है। इससे कश्मीरी मिर्च से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप इसको आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डाला है। साथ ही आप इसके स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे छोले के लिए ताकि ये मसाले अच्छे से और अच्छे से गल जाए। और जब ये अभी इधर दूसरी तरफ देखिए मेरे छोले जो बिल्कुल जो है बिल्कुल रेडी हैं और इस तरीके इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और साथ ही पोटली को अच्छे से दबा करके आप इसको पोटली को निकाल लें। देखिए जो चने हैं वो अच्छे से गल चुके हैं छोले के। अब इधर देखिए मेरा मसाला भी बिल्कुल रेडी है और ये जो मसाला है बिल्कुल तेल छोड़ रहा है और साथ ही मैंने इसमें छोले को डाल दिया है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल ये कितना अच्छा कलर आया है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है और अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और साथ ही अब इसके फाइनल तड़के के लिए मैंने जो एक मैंने करछुल लिया है उसमें मैं घी डालूंगी एक चम्मच के करीब में। आप किसी और बर्तन में भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इसी में डाला। साथ ही आप इसमें लाल मिर्चा डालें और थोड़ा सा इसमें लास्ट में आप देगी मिर्च थोड़ा डाल दें जिससे इसका कलर जो है और ही ज़्यादा और इसका फ्लेवर जो है घी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है मिर्चे के तड़के से। मैंने इसमें देगी मिर्च डाल दिया है। अब आप इसको बंद करने के बाद ही डालना है, नहीं तो ये जल जाएगा, इससे कलर इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें मैं इस तड़के को ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, साथ ही खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एक बार इसको ज़रूर बना करके देखिए, अगर अच्छा बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही मैं इसमें धनिया की पत्ती को ऐड कर दूंगी और आपको लास्ट में आपको जो है छोटी इलायची और लौंग का इसमें पेस्ट डाल देना है।
थोड़ा सा पाउडर आपको दो छोटी इलायची और दो लौंग लेकर के उसको पीस लेना है, उसको इसमें डाल देना है। इससे इस छोले का जो टेस्ट है बिल्कुल लाजवाब आ जाएगा। इस तरीके से गर्मा गर्म आप मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं। खाते आप इसके साथ चावल के साथ इसको अच्छे से यूज़ खा सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना ना भूलिए।